हम चलने वाले हैं आज दिल्ली। हम वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, वहाँ कुछ एक्टिविटी भी करेंगे जो हम आपको दिखाएंगे। आज हमने दो छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं, पानी डाल दिया, बिल्कुल लड़ी कर दी। अरे ये क्या करने लग गए तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं रिलायंस प्राइस में। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस अभी हम एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और अभी दिन की शुरुआत हम सैर से कर रहे हैं और इसके बाद जो है आज दिन का रूटीन दिखाएंगे आपको और उसके बाद हम चलने वाले हैं आज दिल्ली। हम वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, वहाँ कुछ एक्टिविटी भी करेंगे जो हम आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे व्लॉग को देखते रहें। तो अभी हम कर रहे हैं सैर, उसके बाद घर जाएंगे और घर का छोटा मोटा काम करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे सरोजनी मार्केट। तो वहाँ काफी मजा आने वाला है, व्लॉग में बने रहना आप लोग। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। A few moments later. तो गाइस अभी हम आ पहुंचे हैं घर पर और अभी जो बंटी लग गई है खाना बनाने में और थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, फिर खाना खाएंगे और नहाएंगे, फिर चलेंगे लाइब्रेरी। तो बीच का जो आज का दिन है वो लाइब्रेरी को रहेगा, उसके बाद फिर चलेंगे सरोजनी नगर। तो गाइस अभी जो है हम इसने पौधा लगाने वाले हैं और ये जो है हम चक्कू को गर्म कर रहे हैं, चक्कू से इसको दो है दो पार्ट में डिवाइड करके और फिर दो गमले बना देंगे इसके और फिर इसमें मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी डाल के फिर पौधे लगाएंगे। तो अभी हम इसको काटते हैं। तो गाइस ये जो है दो गमले बन गए हमारे, तो अभी हम इनमें मिट्टी डालते हैं। तो गाइस ये यहाँ पर हमारी मिट्टी रखी हुई है, तो अभी हम इनमें मिट्टी डाल रहे हैं। दोनों गमले बन गए हैं, ये एक तो ये रेडी हो गया है और दूसरे में ये मिट्टी डल रही है, तो ये भी रेडी हो गया है और ये गमला भी रेडी हो गया है। दोनों गमलों में मिट्टी डल गई है और अब इनमें लगाते हैं पौधे। तो ये हमारा छोटा सा हमने जो है पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अभी जो काफी अच्छे फूल भी आ रहे हैं वहाँ पे और बंटी वहां से छोटे छोटे पौधे लेके आ रही है, ये ले आई और अभी इसमें लगा देंगे। ये इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब जो है इसमें लगाया जाएगा दूसरा पौधा। ये तुलसी है और ये मरुआ है, ये मरुआ है। तो ये जो है आज हमने दो छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं, पानी डाल दिया, बिल्कुल लड़ी कर दिया है। A few moments later. तो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, शाम हो गई है और इनका चाय पीने का मन कर रहा था, तो ये चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि आज संडे है और जो चाय वाले भैया है वो संडे को आते नहीं है जिस वजह से। तो गाइस ये देखिए चाय पीने के लिए जा रही थी तीनों और रस्ते में इन्हें दिख गया जामुन का पेड़ और ये लग गए जामुन खाने के लिए और ये एक आंटी भी आ गई, मोहन भी लग गया और इसके पास एक छोटा कुत्ता भी है वो भी खा रहा है। अरे ये क्या करने लग गए मोहन क्या मांग रहा है, 10 रुपए डाल दूं क्या इसमें? तो जामुन के लिए देखो तीनों चारों कैसे लग गए हैं, कैसे कर रहे हैं, छोटे छोटे हैं, इसको भी चाहिए ना, इसको भी चाहिए। ये लिख डलवा लिया, एक आया था मुस्कान के पास वो भी खा गया ये। अरे चलो बहुत हो गया, चलो मैडम तो पीछे और क्या, पागल हो तुम सारे, चलो जामुन के पीछे लग गए खाने के लिए। ये आ जाएंगे आज, ये रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अब इन्होंने खा लिए जामुन और अब चाय पीने के लिए चल दिए और ये देख रहे हो चाय पीने चाय पीने के लिए देखो
मुझे लग ही रहा था कि यहाँ चाय नहीं है। मैडम को चाय नहीं मिली यहाँ पे। क्या बता रही है मैडम? स्मूदी ले रही है मैडम, ले रही है 5 स्मूदी। स्मूदी पीने के बाद हमारा जो मेंटल लेवल होता है वो अच्छा हो जाता है और हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। और अच्छा आगे की जानकारी हमें मैडम नहीं बताना तो और ज्यादा अच्छा बताती है। मुस्कान जी, मुस्कान नीचे नहीं आना, चाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होना। क्या ये स्मूदी? अच्छा ये है, दिखाना स्मूदी। स्मूद है, स्मूद मैडम ट्राई करो, फिर अपने रिव्यू दो कैसा लगा आपको। चलो इसको पी लो और फिर अपना अपने रिव्यू देना। चॉकलेट का वो है, पीनी है। बताओ कैसी लग रही है मुस्कान? चॉकलेट माय चॉइस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैडम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आज मैडम ने आज हमें स्मूदी पिलाई और हमें इतनी अच्छी लगी कि अब डेली मैडम हमें पिलाएंगे। तो मेरे को मेरी जायदाद सारी आज से आपके नाम। तो गाइज अभी जो है चाय तो मिली नहीं थी इसलिए स्मूदी पी ली हम सब ने, और अब वापस चलते हैं लाइब्रेरी, थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको, क्योंकि ट्विस्ट हो चुका है आज व्लॉग में, वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। A few moments later. तो गाइज आज जो है हमारा प्लान सरोजनी मार्केट चलने का था लेकिन वो कैंसिल हो गया, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट हुआ है व्लॉग में। तो अभी हम आज चलेंगे NIT मार्केट में, कुछ शॉपिंग करेंगे तो हम दिखाते हैं आपको। NIT 1 में चलना है, 2 में चलना है, 3 में चलना है, 5 में चलना है, कौन सी में चलना है, तो वो सब आपको दिखाएंगे अभी कौन सी में चलना है। अभी हम पहुंच गए हैं लखानी वरदान फैक्ट्री आउटलेट पर और अभी हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है शूज और सैंडल चप्पल जो भी है वो देखते हैं और खरीदते हैं। इधर बच्चों के हैं सैंडल, इधर की तरफ चप्पल है। तो हबीब बंटी को ये वाले जो है चप्पल अच्छे लगे हैं क्या, व्हाइट वाले? चलो ये ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़े हैवी मेरे अलग प्रकार से हैं, थोड़े अच्छे नहीं लग रहे ये वाले सैंडल। और इस तरफ जो है लेडीजों के हैं, बढ़िया। तो गाइज ये चप्पल जो है हमने मम्मी के लिए लिए है, घर के लिए, घर जाएंगे तब मम्मी को गिफ्ट दे देंगे हमारी तरफ से, सरप्राइज गिफ्ट हो जाएगा। नहीं है। तो गाइज अभी जो हमने 3 टाइप के स्लीपर देखे हैं और इनमें से हमें चूज करना है कौन से वाले लेने हैं। तो गाइज हमें ये वाले जो स्लीपर हैं ये काफी पसंद आ गए हैं, तो हमने इनको ही लेना ठीक समझा, ये हमने ले लिए। फिर काफी अच्छे लग रहे हैं ये पहने में, और मैंने ऐसे पहले पहने भी नहीं है कभी, तो ये पहली बार ही ले रहे हैं और पहली बार ही पहनेंगे इनको। तो अभी जो है हमने स्लीपर ले लिए हैं और बंटी चली गई है काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए। गाइज अभी जो हमने स्लीपर ले लिए हैं यहाँ से, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है और काफ़ी अच्छे भी हैं, तो पहली बार ही आए हैं हम दोनों और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब इनको पहन के देखेंगे तब पता चलेगा ये कैसे हैं। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो अभी हमें कुछ और शॉपिंग करनी है, रिलायंस प्राइस में चलेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे रिलायंस प्राइस में हमें क्या क्या खरीदना है। तो अब हम चलते हैं रिलायंस प्राइस की तरफ। A few moments later. तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं रिलायंस प्राइस में और यहां से भी हमें एक दो आइटम खरीदने हैं, तो वो हम अंदर चलकर खरीदते हैं।
थोड़ी शॉपिंग। तो गाइस आज जो हमें रिलायंस में थोड़ी शॉपिंग करनी थी जो कि हो गई है, और अभी हमने करानी है बिलिंग। तो काउंटर पर आ गए हैं, लेकिन भीड़ काफ़ी लंबी लग रही है काउंटर पे, तो काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा नंबर आने का, उसके बाद फिर हम बिलिंग करें। तो पेमेंट जो है फोन पे के स्कैनर से कर रही है बंटी, ये स्कैन कर रहे हैं। तो गाइज आज की जो है शॉपिंग हो गई है, रिलायंस फ्रेश में भी हो गई है और लखाने में हमने स्लीपर भी खरीद ली है, और आज का दिन काफी कुछ अच्छा रहा है। तो आप सभी को हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ढेर सारे व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।